चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है सैरोगेट एडवर्टाइजिंग। नाम से ही पता चल रहा है, और जानकारी के लिए बताना भी चाहूँगी कि हमने बहुत सारे ऐसे ऐड देखे हैं जो इलायची के होते हैं या फिर सोडा वाटर के होते हैं, और सेम उसी ब्रांड से इलायची के स्थान पर गुटके भी बेचे जाते हैं और अल्कोहल भी बेची जाती है। तो उसी तरह के विज्ञापन को सैरोगेट एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। उपभोक्ता मामले विभाग और उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भ्रामक विज्ञापनों और विज्ञापन की रोकथाम के लिए दिशा निर्देशों, विशेष रूप से सैरोगेट विज्ञापनों से संबंधित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। नए दिशा निर्देश के अनुसार विज्ञापन जारी करने से पहले सावधानी बरतनी होगी और गाइडलाइन का पालन करना होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को लागू किए जाने के बाद भी देश भर में इस तरह के विज्ञापन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि एक्चुअल में सैरोगेट एडवर्टाइजिंग होता क्या है। संक्षेप में मैं बता चुकी हूँ, विस्तार से बात कर लेते हैं। किसी उत्पाद के विपणन यानी कि मार्केटिंग की विधि जिसे खुले तौर पर विज्ञापित नहीं किया जा सकता, सैरोगेट एडवर्टाइजिंग के रूप में जाना जाता है। उसी ब्रांड के तहत किसी अन्य उत्पाद का विज्ञापन करने के लिए यह पहले उत्पाद की ब्रांड छवि की नकल करता है या उसे बढ़ाता है। तो फिर उसी तरह की चीज़ों के विज्ञापन जिनका हम डायरेक्ट विज्ञापन नहीं दे सकते, उनको हम दूसरे रूप में उनके विज्ञापन देते हैं, जैसे अल्कोहल और गुटखा हो गया। ये आदेश जो है उसमें कहा गया है कि विभिन्न अल्कोहलिक स्पिरिट और पेय पदार्थ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर क्लब सोडा और म्यूजिक सीडी के रूप में बेचे जा रहे हैं, जबकि चबाने वाले तंबाकू और गुटके ने सौंफ और इलायची की आड़ ली हुई है। कई विज्ञापन कंपनियां किसी मादक पदार्थ का प्रचार सीधे तौर पर ना करके किसी इलायची, म्यूजिक सीडी, सोडा ड्रिंक आदि के रूप में करती है। इसके लिए वह दोनों के पैकेजिंग और ब्रांडिंग को एक तरह का रखती है। उदाहरण के तौर पर सोडे के विज्ञापन की आड़ में शराब बेचना, इलायची की आड़ में पान मसाला बेचना, यह सभी सैरोगेट एडवर्टाइजिंग है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कहा है कि इस तरह के भ्रामक और सैरोगेट विज्ञापनों के खिलाफ सरकार कठोर कदम उठाएगी। इसके अलावा इनमें से बहुत सी कंपनियां प्रमुख हस्तियों का उपयोग भी करती हैं जो विशेष रूप से प्रभावशाली युवाओं पर हानिकारक प्रभावों को उजागर करते हैं, जैसे कि ये लोग सेलिब्रिटीज़ का उपयोग अपने एड्स में करते हैं, बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस से इस तरह के ऐड करवाते हैं। इस तरह के मामलों को देखते हुए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने विज्ञापन कंपनियों को नई गाइडलाइन जारी की है। कंपनियों द्वारा इन गाइडलाइंस को ना फॉलो करने पर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है। सैरोगेट एडवर्टाइजिंग से संबंधित प्रावधान क्या क्या हैं वो भी हम जान लेते हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के लिए विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश 2022 को अधिसूचित किया है। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लगाना और उन उपभोक्ताओं की रक्षा करना है जिनका ऐसे विज्ञापनों से शोषण होता है या जिन पर गलत प्रभाव इससे हो सकता है। सैरोगेट एडवर्टाइजिंग से संबंधित प्रावधान में कुछ चीज़ें शामिल हैं, जैसे कोई सैरोगेट एडवर्टाइजिंग या अप्रत्यक्ष विज्ञापन उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए नहीं बनाया जाएगा जिनका विज्ञापन कानून द्वारा अन्यथा प्रतिबंधित है। इस तरह के निषेध या प्रतिबंध को दरकिनार करने और इसे अन्य वस्तुओं या सेवाओं के विज्ञापन के रूप में चित्रित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब इसके उल्लंघन के लिए कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है, तो दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए दंड का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी किसी भी भ्रामक विज्ञापन के लिए निर्माताओं, विज्ञापनदाताओं और एंडोर्सर्स पर
₹10 लाख तक का जुर्माना लगा सकती है। बाद के उल्लंघनों के लिए CCPA ₹50 लाख तक का जुर्माना लगा सकता है। प्राधिकरण एक भ्रामक विज्ञापन के प्रष्ठांकनकर्ता को 1 वर्ष तक के लिए कोई प्रष्ठांकन करने से रोक सकता है और बाद के उल्लंघन के लिए निषेध 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से ये पूरा इसके दिशा निर्देश हैं, इनके उल्लंघन पे क्या प्रावधान है और इसका गलत क्यों है, इन सब चीज़ों पे हम बात कर चुके हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।